हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज मैं आपको पजल में मंथ एंड डेट बेस पजल करवाने वाली हूँ, ठीक है, जो कि SBI क्लर्क क्लियरेंस एग्जाम जो 10 तारीख से होने वाले हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें आपको निश्चित ही ये क्वेश्चन देखने को मंथ बेस पे जरूर दिखेंगे, जो कि आपको 5 मार्क्स इससे पक्के ही आते ही आते हैं 5 मार्क्स से। इस वीक में आपको पूरा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी जो कि डेफिनेटली SBI क्लर्क क्लियरेंस में आपको देखने को मिलेगा, और आपका प्रैक्टिस रहेगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाओगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मंथ बेस पजल, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन रहा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन को, ये जो है हमारा मंथ बेस पजल है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पढ़ना पहले हम पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि 14 स्टूडेंट ज्वाइन क्वेश्चन ऑन अर्ली 11 एंड 18 मतलब 11 और 18 तारीख को, ठीक है। 7 डिफरेंट मंथ ऑफ द सेम ईयर, एक ही ईयर के 7 डिफरेंट मंथ में, जैसे फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। तो यहाँ तक हमारा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, हम आप यदि खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके खुद से आप कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपसे उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो आप मेरी एक्सप्लेनेशन को देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे हमें कंडीशन को नोट करना होता है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या होता है, कंडीशन को मर्ज करते हुए, एक दूसरे से लिंक करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से, तो पहले मंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंथ का यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फेब से स्टार्ट है, तो फेब, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद है मई, तो मई यहाँ पे, मई के बाद यहाँ पे है जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, ठीक है, अगस्त के बाद आपको अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, ठीक है। ये सारे मंथ आपको दिया हुआ है, चलिए हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा डेट है, ठीक है। तो डेट है तो हम क्या करते हैं, ऊपर में इस तरीके से पहले डेट लिख लेते हैं। तो 11 और 18 है, तो यहाँ पे हम 11th लिख देते हैं और यहाँ पे हम 18 लिख देते हैं कि 11th और 18 का डेट है, इसमें ये होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस तरीके से हमारा मंथ पहले बन गया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन को मर्ज करना स्टार्ट करते हैं। कंडीशन को कैसे मर्ज करेंगे, हम कंडीशन को सबसे पहले क्या करेंगे, नोट करेंगे, लिखते चलेंगे, कंडीशन को नोट करते चलेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है पी ज्वाइन ऑन 11th अप्रैल, तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसमें, अप्रैल में 11 को तो पी यहाँ पे डाल दी। उसके बाद दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन बिटवीन ओ एंड वाई इज सेम एज बिटवीन वाई एंड एस, ओ और वाई के बीच में जितने पर्सन है, ओ एंड वाई के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन है कितने, वाई और एस के बीच में। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हम देख लिए। आगे कंडीशन क्या कह रहा है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि यहाँ तक हो गया था, उसके बाद है कि एस ज्वाइन आफ्टर ओ, एस जो है ओ के बाद, तो ओ के बाद एस, ऐसे हम कंडीशन को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या, एक्स ज्वाइन बिफोर भी, भी से पहले जो है एक्स ज्वाइन होता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। यू ज्वाइन बिफोर एस, एस से पहले जो है वो कौन ज्वाइन होता है, यू ज्वाइन होता है। चलो यहाँ तक हो गया कंडीशन। अब कहता है 4 स्टूडेंट ज्वाइन बिटवीन पी एंड एम, पी और एम के बीच में 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर तो 4 होगा नहीं, मतलब नीचे ही एम आएगा, तो 1, 2, 3, 4 हो गया, तो यहाँ पे एम आ जाएगा, ये तो फिक्स है कि एम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो जो कंडीशन मर्ज हो रहा है उसको डायरेक्ट हम लिखते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 स्टूडेंट ज्वाइन बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच में 2 स्टूडेंट है, हमें नहीं पता है ऊपर भी हो सकते हैं एन, नीचे भी हो सकते हैं एन, एन को छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कहता है वी ज्वाइन इमीडिएट बिफोर एन, एन के इमीडिएट, तो इमीडिएट के लिए हम क्या करते हैं, बगल में ऐसे करते हैं, तो ये इमीडिएट होता है, ठीक है, और ऊपर डायरेक्ट पड़ता नहीं है तो हम बीच में एरो देते हैं, ठीक है, कितना ऊपर, 1 या 2 तो हम बीच में देते हैं, और इमीडिएट एबव या इमीडिएट बिलो रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बगल में हम लोग एरो का निशान देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, टी ज्वाइन इमीडिएट बिफोर क्यू,
टी जो है, टी से इमीडिएट मतलब टी जो है वो यहाँ पे देखिए फिर से कह रहा है टी ज्वाइंट इमीडिएट बिफोर क्यू, क्यू से इमीडिएट पहले कौन ज्वाइन हो रहा है, पी ज्वाइंट टी ज्वाइन हो रहा है ठीक है। और इन द सेम मंथ मतलब कि दोनों का मंथ क्या है, सेम सेम मंथ ऐसे हम लिख देते हैं मतलब सेम मंथ ठीक है, दोनों एक ही यदि फरवरी में है तो दोनों फरवरी में, अगर अगस्त में होगा तो दोनों अगस्त में, सेम मंथ में ठीक है। उसके बाद कह रहा है नोट मोर देन वन पर्सन ज्वाइन बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में एक से अधिक नहीं, मतलब एक से अधिक नहीं मतलब क्या कि मैक्सिमम वन हो सकता है, एक से कम हो सकता है। तो हम इसको इस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे, लिख देंगे कि जेड और एस के बीच में मैक्सिमम मैक्सिमम वन ठीक है, जेड और एस के बीच में मैक्सिमम वन मतलब इससे कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम वन हो जाएगा ठीक है। चलिए यहाँ तक क्या, हु ज्वाइन बिफोर जेड, एस जो है जेड से पहले, तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे चलिए लिख देते हैं जेड से पहले कौन है, एस ज्वाइन होता है ठीक है। चलिए जेड ज्वाइन ऑन 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर यहाँ हो गया इसमें हो जाएगा जेड यहाँ पे हो जाएगा, चलो इसको भी दे दिए। फोर पर्सन ज्वाइन बिटवीन जेड एंड आर, तो नीचे तो होगा नहीं आर ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 4 मीन्स आर क्या हो गया एम में हो गया आर, तो चलो आर को भी यहाँ कर दिए ये भी हो गया। एक्स एंड डब्ल्यू ज्वाइन बिफोर यू एंड टी, यू चलो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते, यू एंड टी के पहले ज्वाइन होता है, यू एंड टी के पहले ज्वाइन होता है, कौन ज्वाइन होता है पहले, तो वो कह रहा है कि आर और डब्ल्यू, तो इसके ऊपर आर और डब्ल्यू को हम इस तरीके से कर देते हैं कि आर और डब्ल्यू जो है यू और टी से पहले, डब्ल्यू ज्वाइन बिफोर ज्वाइन आफ्टर भी, डब्ल्यू ज्वाइन आफ्टर भी, भी के बाद डब्ल्यू, तो भी के बाद ज्वाइन होगा कौन डब्ल्यू। चलिए यहाँ तक कंडीशन अब हम लिख लिए सारा, अब हमको क्या करना है कंडीशन को मर्ज करना, अब हम कौन कंडीशन को पिक करेंगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए ओ वाई और ओ एस, तो ओ के नीचे एस है मीन्स कि आप कर सकते हैं ये कंडीशन को हम कैसे मर्ज करेंगे, कहीं पे ओ आएगा वाई बीच में आएगा फिर एस आएगा ठीक है, ओ वाई और एस, तो जितने पर्सन इसके बीच में होंगे इस दोनों के बीच में होंगे उतने ही पर्सन इस दोनों के बीच में होंगे, दोनों के बीच में सेम पर्सन होंगे अभी हमें नहीं पता है ठीक है। बट इस कंडीशन से आप देखिए क्या कह रहा है कि जेड और एस के बीच में मैक्सिमम वन ठीक है, तो जेड और एस के बीच में मतलब कि जेड इसी जगह पे हो सकता है, बस इतना ही दूर जेड एस आ सकता है, जेड के अगल बगल में ही एस रहेगा, एस तो इधर हो नहीं सकता है ठीक है, जेड के अगल बगल में ही एस आएगा, तो यदि आप देख रहे हैं यहीं पे एस आएगा मीन्स वाई भी इस बीच में आएगा तभी वहां ओ क्या होगा ऊपर जाएगा ठीक है। तो चलिए ये कंडीशन हम समझ गए कि ओ इसी दोनों में से किसी में ओ आएगा। और एक और चीज़ देखिए, आप एक और कंडीशन को देखिए, एम और एन के बीच में दो पर्सन, तो एम यहाँ है एक और दो, तो एन यहाँ आ सकता है या तो एक दो एन यहाँ आ सकता है ठीक है। एन के लिए चलिए कलर चेंज करते हैं फिर हम आपको बताते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि हमें गलत होगा तो हम क्या करेंगे उसको रॉन्ग कर होगा तो उसको हम इरेज करके फिर दूसरा कंडीशन, एक तो आप ये कीजिए कि साथ ही दो कंडीशन यहाँ पे बनाते चलिए कि एन को एक बार यहाँ पुट कर लीजिए और एन को एक बार यहाँ, एन को एक बार यहाँ पुट कीजिए ठीक है, दो कंडीशन एन के लिए बच बन रहा है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि यदि आप एन को यदि यहाँ रखते हो और एन के जस्ट ए वी है तो वी को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, और लेकिन कह रहा है कि वी के ऊपर एक्स है ठीक है, वी के ऊपर एक्स होगा तो एक्स के लिए ये सारे जगह होंगे लेकिन B के नीचे W होने चाहिए ठीक है, W इसके नीचे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे स्पेस फिल हो जा रहा है, और सबसे मेन बात ये D और Q का कि ये दोनों सेम मंथ में होंगे, तो सेम मंथ के लिए आपको अगर इसमें आप N रखते हो तो इसमें आप क्या रखोगे B रखोगे, N यहाँ तो B यहाँ, तो T और Q के लिए सेम मंथ, तो एक से यही स्पेस बचेगा आपके लिए, तो T और Q जो, हाँ ये कंडीशन आपको चेक करना, लिख लिख के करोगे तो बहुत टाइम जाएगा आपको, अब प्रैक्टिस इतना होना चाहिए ना कि पता चल जाएगा कि ये डेफिनेटली रॉन्ग ही होगा। चलिए हम आपको करके दिखाते ठीक है, रॉन्ग होगा तो हम चेंज कर लेंगे, पेन का कलर हम चेंज कर लिए, एम है एक दो, एन यहाँ हो जाएगा, एन यहाँ हो जाएगा तो भी यहाँ होगा, भी यहाँ हो जाएगा
तो भी के ऊपर एक्स है, ठीक है, भी के ऊपर एक्स, भी के नीचे क्या है, डब्लू है। तो देखो भी के नीचे डब्लू हो गया, तो डब्लू या तो इसमें आएगा, डब्लू या तो इसमें आएगा, इस के नीचे, तो इसी दोनों में से किसी एक में डब्लू आएगा, ठीक है, इसके नीचे डब्लू यहीं पे आएगा। तो टी और क्यू के लिए इस कंडीशन में एक तो ये स्पेस बचा, एक ये स्पेस बच गया टी और क्यू के लिए। चलो ठीक है, यहाँ भी हो गया। अब ये देखो कि भी यहाँ हो गया, एन यहाँ हो गया, एस के लिए तो सिर्फ यही कंडीशन बच गया ना। यदि एस को यहाँ रखते हो तो फिर वाई को कहाँ रखोगे, वाई को कहाँ रखेंगे, वाई को यदि डब्लू यहाँ रखते हैं तो एस को यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो एस यहाँ रखते हैं तो एक दो तीन चार, तो वाई यहाँ हो जाएगा, एक दो तीन चार, तो ओ यहाँ हो जाएगा। देखो ओ यहाँ हो गया, वाई यहाँ हो गया, एस यहाँ हो गया, डब्लू यहाँ हो गया, ठीक है, इतना हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पे ये कंडीशन देख लो कि यू और टी के ऊपर में आर और डब्ल्यू। तो देखो डब्ल्यू जब यहाँ आ गया तो क्या ये आप कंडीशन मर्ज कर पा रहे हैं, नहीं ना, क्योंकि डब्ल्यू क्या है, यू और टी क्या है, जब ही डब्ल्यू ही सबसे नीचे आ गया तो इसके नीचे अब कौन जाएगा, यू जाएगा, नहीं जाएगा, मीन्स कि ये कंडीशन हमारा रॉन्ग था। देखिए पता चल गया ना। तो इस तरीके से आपको इतनी बार लिख के नहीं करना है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कंडीशन आपके रॉन्ग ही होने वाले हैं, ठीक है, देख के ही पता चल रहा था। वो आपको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये चीज लिख के आपको दिखाना पड़ा कि इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए हम कलर फिर से क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं अपनी कलर को। अब हमारा क्या हो गया, अब हम चलिए कलर चेंज हो गया। अब एन या एम यहाँ है, एक दो मीन्स कि एन यहाँ हो जाएगा, एन यहाँ हो जाएगा तो भी यहाँ होगा, भी यहाँ हो जाएगा तो एक्स भी के ऊपर, तो एक्स या तो यहाँ होगा, है ना, भी के नीचे में डब्लू होना चाहिए। इस कंडीशन को चलो छोड़ते हैं अभी। अब हम देखते हैं कि एस को मर्ज करते हैं, ठीक है, एस यहाँ 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 में से कहीं एक जगह एस हो जाएगा, तो यदि एस को आप यहाँ रखते हो तो एक दो वाई को यहाँ, एस को यदि आप यहाँ रखिएगा तो एक कितना हो गया, एक दो यहाँ पे हो जाएगा, एक दो, लेकिन ये कंडीशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आपको एस को कहाँ रखना पड़ेगा। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। अच्छा इसके बीच में, सॉरी इसके बीच में एक गैप चला गया ना, इसीलिए ये गलती हो गया, ठीक है, इसके बीच में एक गैप। अगर एस को यहाँ रखते तो एक दो तीन चार, वाई को यहाँ जाएगा, वाई यहाँ जाएगा तो एक दो तीन चार, ओ यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। एस को यदि हम यहाँ पे रख रहे हैं, देखो एस को यहाँ पे रख रहे थे, एक दो तीन चार, वाई यहाँ जा रहा है, वाई यहाँ जा रहा है तो ओ यहाँ जा रहा है, एक दो तीन चार ओ, क्योंकि भी को हम ऊपर रखेंगे, या तो भी इसमें आएगा या तो भी एक इसमें आएगा, तो एक बार हम इस भी ओ को यहाँ रख के, और ये भी के ऊपर एक्स है तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा, एक्स इसमें इसमें इस दोनों में से किसी एक में एक्स जाएगा। अब यदि हम एक साथ दो कंडीशन लेके चलेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा, बट हमें एक साथ दो कंडीशन, मैं आपको इसीलिए एक कंडीशन में बता रही हूँ कि आपको भी ये क्या होगा ना, कि आपको भी हैबिट होगी कि एक कंडीशन में ही आप मर्ज करना सीखोगे। और देखो कंडीशन जब आप दो कर लोगे तो आपकी डेवलपमेंट उतनी नहीं होगी, क्योंकि आपको कुछ सोचने की समझिए, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, डायरेक्ट आप क्या जो जो कंडीशन कर रहे हैं आप फील करते जा रहे हो। बट इस तरीके से आप करते हो तो क्या होता है, आप सोच रहे हो कि कहाँ क्या रखा है, इससे क्या होगी आपकी डेवलपमेंट होती है, आपकी सोचने की, आपकी थिंकिंग की पावर बढ़ता है, ठीक है, तो ऐसे में आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। तो इसीलिए आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो ऐसे करो। हाँ एग्जाम के समय में ठीक है दो कंडीशन लो फटाफट करके निकल जाओ, बट जब प्रैक्टिस करते हो तो इस तरीके से क्या करो, ठीक है। चलो ओ यहाँ हो गया, एक्स यहाँ हो गया, वाई को यहाँ मर्ज कर दिए, ये भी हो गया कंडीशन। अब क्या करें, भी के नीचे डब्लू होगा तो भी के नीचे डब्लू यहाँ आएगा, यहाँ आएगा नहीं पता, चलो ये भी कंडीशन हमारा हो गया, ठीक है, ये भी कंडीशन हो गया।
अब एक कंडीशन था टी और क्यू है क्या है, दोनों सेम मंथ में, ठीक है, टी और क्यू दोनों सेम मंथ में। और आप देखो कि यदि आप टी को यहाँ रख देते हो तो टी के ऊपर आर और डब्ल्यू तो यहाँ नहीं रख सकते। अगर टी यहाँ या यहाँ किसी में से अगर टी आता है तो टी यहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि क्यू से पहले टी है तो क्यू यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा, और टी से पहले डब्ल्यू आर, ऊपर तो कोई स्पेस ही नहीं है डब्ल्यू आर के, मीन्स कि डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, तभी ना टी के ऊपर क्या हो जाएगा डब्ल्यू और आर आएगा। और डब्ल्यू के लिए यहाँ पे देखो क्या चीज दिखा हुआ है कि वी के नीचे डब्ल्यू है और एस के ऊपर यू है, तो एस के ऊपर यू है तो यू इसमें या इसमें किसी एक में यू आएगा, इसमें या इसमें किसी एक में यू जाएगा और इसी दोनों में से किसी एक में क्या होगा डब्ल्यू जाएगा। तो आप इसमें कैसे कर सकते हो कि किसी में, तो एस के ऊपर यू है और यहाँ पे है कि यू के ऊपर डब्ल्यू है, तो यू को यहाँ रखेंगे तभी तो इसके ऊपर डब्ल्यू होगा, तो डब्ल्यू यहाँ जाएगा। समझ में आया कि किस तरीके से यू और डब्ल्यू को हम कर किए हैं। देखो एस के ऊपर यू है, एस के ऊपर यू है, लेकिन यू के ऊपर ना डब्ल्यू है। यहाँ देखो कि यू के ऊपर, तो यू के ऊपर यहाँ पे डब्ल्यू होगा, तो यू को यहाँ देंगे तभी से इससे आगे डब्ल्यू गया ना। समझ में आ गया कंडीशन को हम कैसे मर्ज किए हैं, क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया। बस यही आपको करना है कि एक एक करके आपको क्या करना है कि कंडीशन किस तरीके से हम करते हैं, आपको यही चीज देखना है, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, आप बना पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा ये कंडीशन बन गया, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टूडेंट ज्वाइन कोचिंग ऑन 18 मई, ठीक है, 18 मई को कोचिंग में शामिल हुआ है कौन सा था 18 मई को, तो 18 मई में ये है 18, तो वाई हो जाएगा, तो चलो देखते हैं, वाई मतलब सी हमारा आंसर लगेगा, चलो ये भी ठीक है। उसके बाद क्या है, पी और डब्ल्यू के बीच में कितने छात्र शामिल है, पी और डब्ल्यू, तो पी यहाँ पे हो गया, डब्ल्यू यहाँ पे हो गया, तो बीच में कितने, दो दो चार एक पाँच हुआ ना, तो बीच में कितने छात्र हो गए, फाइव हो गया, तो ये हमारा बी आंसर हो गया, क्लियर है यहाँ तक, चलिए यहाँ भी हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख और महीने में जेड कोचिंग में शामिल था, तो जेड को चलो देख लेते हैं, जेड कहाँ पे था, तो जेड जो है वो जेड है आपका यहाँ पे जो कि अक्टूबर में है और 18 तारीख को है, अक्टूबर और 18 तारीख, ये देखो 18 अक्टूबर, डी हमारा आंसर हो गया, सही है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, मतलब कौन सा सही है, जैसे अगस्त है तो अगस्त में डब्ल्यू और यू है ना, तो अगस्त में डब्ल्यू और यू है, तो अगस्त यहाँ है डब्ल्यू और यू है, ये तो अगस्त का हो गया। चलिए उसके बाद फिर देख लेते हैं क्या है, अप्रैल में पी और वाई है, तो अप्रैल में पी और वाई गलत है, चलो ये तो गलत हो गया। उसके बाद फरवरी में ओ और बी है, ये भी तो गलत ही होगा क्योंकि मुझे याद है फरवरी में ओ और बी नहीं था, ओ और बी फरवरी में नहीं है, वो भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, चलिए इसको भी हम रॉन्ग कर देते हैं। उसके बाद क्या है, नवंबर में एस और क्यू क्या है, नवंबर में, तो नवंबर हमारे यहाँ है एस और क्यू, ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू और यू अगस्त वाला यही सही है क्योंकि पहले ही हमें मिल चुका था, लेकिन हमें और नन ऑफ दिस था इसीलिए हम देख रहे थे डब्ल्यू और यू है ना अगस्त में, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपको यदि ये वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद कैसी लग रही है, कितने आपके लिए हेल्पफुल है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू।